नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। 5 मिनट में देश और दुनिया की बड़ी खबरें। देश में 6 प्रमुख शहरों में शुरू किए गए लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आज समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत बायोटेक ने जारी किया कोवैक्सीन के 3रे चरण के ट्रायल का फाइनल नतीजा, 77.8% प्रभावी भी है वैक्सीन। कांग्रेस नेता शशि थरूर की डिक्शनरी से निकला नया शब्द पोगोनोट्राफी, ट्विटर पर छिड़ गई बहस। दोनों डोज के बाद 98% घट जाता है मौत का खतरा, पंजाब में पुलिसकर्मियों पर किया गया अध्ययन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की 2 टूक, लद्दाख में स्थिति बहाल ना हुई तो अप्रत्याशित कदम उठा सकता है भारत। आगरा के बाकी पदाधिकारी से अभद्रता से भड़के किसान नेता, सैकड़ों की संख्या में टोल प्लाजा का किया घेराव। आजमगढ़ के महाराजगंज पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, बाइक तमंचा और कारतूस भी बरामद। आजमगढ़ में जिलाधिकारी के निर्देश पर फसल बीमा योजना सप्ताह का शुभारंभ। आजमगढ़ में अनुसूचित जाति के नाम पर युवक बना फर्जी शिक्षक, मामले की जांच और कार्रवाई कर पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में शादी में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग, फायरिंग में अधेड़ उम्र के व्यक्ति की गोली लगने से मौत, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। दुनिया से छिपाकर चीन ने बसाया सीक्रेट विलेज, गूगल मैप की तस्वीरें हो गई वायरल। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अंदर देखा गया ड्रोन, भारत ने इस सुरक्षा उल्लंघन का किया कड़ा विरोध। चीन रेगिस्तान में बना रहा बैलिस्टिक मिसाइल रखने के 100 ठिकाने, अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट ने दी जानकारी। अमेरिका ने म्यांमार के सैन्य शासन से जुड़े 22 लोगों पर लगाया प्रतिबंध, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के जवाब में उठाए कदम। अफगानिस्तान से सेना की वापसी शुरू, 2 दशक बाद यूएस आर्मी ने छोड़ा बगराम एयरफील्ड। यूरो कप के सेमीफाइनल में पहुंचा स्पेन, स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। पूर्व श्रीलंकाई कप्तान रणतुगा का टीम इंडिया पर वार, कहा भारतीय बी टीम को होस्ट करना श्रीलंका का अपमान। कोरोना का भारतीय खेलों पर असर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के तहत भारत में होने वाली आर्चरी और शूटिंग चैंपियनशिप रद्द। श्रीलंका सीरीज के लिए भारतीय टीम की तैयारी, धवन की कप्तानी और द्रविड़ की कोचिंग में प्रैक्टिस के लिए उतरी टीम इंडिया। टोक्यो ओलंपिक जाएगी स्विमर माना पटेल, 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। दीनो मौर्या, डीजे अकील और संजय खान पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, हवाला मामले में करोड़ों की संपत्ति की गई जब्त। ऋतिक रोशन ने डब्बू रत्नानी कैलेंडर के लिए कराया फोटोशूट, फरहान खान बोले लोग यूं ही ग्रीक गॉड नहीं कहते। प्रिया प्रकाश वॉरियर की नई तस्वीरों पर फिदा हुए फैंस, ब्लैक स्मोकी आई मेकअप चर्चा में। WTC फाइनल हारने के बाद अब पत्नी अनुष्का शर्मा से एक चैलेंज में हारे विराट कोहली, सामने आया वीडियो।
केजीएफ सुपरस्टार यश ने खरीदा आलिशान घर, गृह प्रवेश तस्वीरें हो रही वायरल। पांच पच्चीस में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।